हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल और स्वागत है आपका संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम यहां पे बात करने वाले हैं हमें खाना खाने के बाद क्या नहीं करना चाहिए। इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को लेकर काफ़ी सारे लोग मुझे बार बार सवाल पूछते हैं और इस सब्जेक्ट पर काफ़ी सारे लोगों की अलग अलग राय होती है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो खाना खाने के बाद चलने निकल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाने के बाद दौड़ने के लिए यानी कि रनिंग करने के लिए चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाने के बाद जिम में चले जाते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करने लगते हैं। और कुछ लोग उससे बिल्कुल विपरीत होते हैं यानी कि ऑपोजिट होते हैं, यानी कि खाना खाने के बाद सो जाते हैं, दोपहर को खाने के बाद भी सो जाते हैं, रात को खाने के बाद भी सो जाते हैं। तो एग्जैक्टली किसी को ये नहीं पता है कि हमें खाना खाने के बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें खाना खाने के बाद नहीं करनी है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। संजीवनी आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल, रीजुविनेट योर माइंड बॉडी एंड सोल। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाना खाने के बाद वॉकिंग के लिए चले जाते हैं या तो एक्सरसाइज करने के लिए चले जाते हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, लेकिन ये गलती करते हैं। दोस्तों, खाना खाने के बाद जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जब फूड पेट में जाता है तो हमारे पेट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी कि पाचक रस का सिक्रीशन होता है। उसकी वजह से हमारे शरीर की मैक्सिमम ब्लड सप्लाई जो है वो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन यानी कि हमारे पेट के इर्द गिर्द होती है और वहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म की यानी कि पाचन की जो पूरी प्रक्रिया चलती है तो पूरी ब्लड सप्लाई उस एरिया में होती है। अगर हम कोई दूसरी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे जैसे कि वॉकिंग करना है, रनिंग करना है या एक्सरसाइज करना है तो हमारी जो ब्लड सप्लाई है वो हमारे एसेंशियल ऑर्गन्स यानी कि दूसरे अंगों की तरफ, हार्ट की तरफ और ब्रेन की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें अपच का सामना करना पड़ेगा, इनडाइजेशन होगा, हमारा खुराक जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा तो गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग ऐसी बीमारियां होंगी और शरीर में आम का जनरेशन होगा, आम विष की उत्पत्ति होगी और आम की वजह से हमारा डाइजेस्टिव पावर वीक होगा यानी कि मंदाग्नि होगी। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है, रोगा सर्वे अपि मंदाग्नो हो, सारे रोग जो है वो अग्नि मंद होने की वजह से होते हैं और जब हमारा अग्नि मंद हो जाएगा तो उसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां हमें हो सकती है। इसलिए खाना खाने के बाद हमें बिल्कुल भी एक्सरसाइज है या वॉकिंग रनिंग है ये बिल्कुल हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें काफ़ी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें से हम कुछ बीमारियों के नाम लें। अगर कुछ आयुर्वेद में स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि जो स्निग्ध यानी कि हैवी खुराक, स्निग्ध खाना खा के जो एक्सरसाइज करते हैं तो उसके शरीर में आम की वृद्धि होकर आमवात नाम का रोग होता है। आमवात जिसमें जॉइंट पे इंफ्लामेशन होता है और सूजन आती है और बहुत सारा पेन होता है। उसके अलावा आपका यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, अम्लपित्त यानी हाइपर एसिडिटी जैसी बीमारियाँ भी हो सकती है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और अपने मोटापे से पीड़ित होते हैं, ओबेसिटी से पीड़ित होते हैं, वो लोग खाना खाने के बाद चलने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए निकल जाते हैं और जिनको कोमॉर्बिडिटी यानी कि कोई बीमारियां भी होती है जैसे हाई ब्लड प्रेशर है या दूसरी कोई भी बीमारी है तो खाना खाने के बाद फिजिकल एक्टिविटी करने से वो बीमारी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये काम हमें बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, खाना खाने के बाद हमको पानी नहीं पीना है। खाना खाने के बाद पानी पीने से हमारा गैस्ट्रिक जूस डाइल्यूट हो जाएगा और हमारा अग्नि मंद हो जाएगा। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है, भोजनांते विषम वारी, खाना खाने के बाद पानी पीना वो विष पीने के समान है। अगर आप खाने के बाद पानी पियेंगे तो आपका डाइजेशन वीक होगा और उसकी वजह से काफ़ी सारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हमें हो सकते हैं। खाना खाने के बाद हमें नहाना नहीं है। जो लोग भी खाना खाने के बाद तुरंत नहाते हैं तो उन लोगों के लिए मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि खाना खाने के बाद आपको नहीं नहाना है। खाना खाने के बाद आप नहाएंगे तो उसकी वजह से भी आपका ब्लड जो है वो मेन स्ट्रीम में से पेरिफेरल ऑर्गन्स में डाइवर्ट हो जाएगा और जिसकी वजह से आपको मंदाग्नि और दूसरी काफ़ी बीमारियों का, हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। खाना खाने के बाद कुछ लोग सो जाते हैं। दोस्तों, खाना खाने के बाद हमें सोना नहीं है। खाना खाने के बाद सोने को दिवा स्वप्न कहा जाता है और दिवा स्वप्न करने का आयुर्वेद में निषेध है। आयुर्वेद ने दिन में सोने को बिल्कुल मना किया हुआ है। कुछ ऐसी कंडीशंस है, एक्सेप्शनल कंडीशंस है, अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं या तो ग्रीष्म ऋतु है, बहुत गर्मी की सीजन है तो उसमें आप कुछ समय तक सो सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि खाना खाने के बाद आप वाम कुक्षी कर सकते हैं। वाम कुक्षी का मतलब होता है कि लेफ्ट लेटरल करवट पे आप 15 से 20 मिनट तक लेट सकते हैं।
ऐसा करने से आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और आपके शरीर को न्यूट्रिशन प्रॉपरली मिलता है। फिर भी अगर आपको खाना खाने के बाद नींद आती है तो आप बैठे बैठे नैप ले सकते हैं, बैठे बैठे झपकी ले सकते हैं, लेकिन आपको लंबे समय की नींद, एक एक घंटा, दो दो घंटा, तीन तीन घंटा खाना खाने के बाद सोना नहीं है। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, दोपहर को खाने के बाद भी सो जाते हैं और रात को खाने के बाद भी तुरंत सो जाते हैं, और उसके बाद उसकी वजह से उनको काफ़ी सारी बीमारियों का और काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब कुछ ऐसे लोग आते हैं कि हम अगर नाइट ड्यूटी करते हैं तो हम कब सोएंगे, अगर रात में हमारी जागने की ड्यूटी है तो हमें दिन में क्या करना है। तो उन लोगों को क्या करना है, जब वो डे टाइम में घर पे आएंगे तो सुबह हल्का नाश्ता करने के बाद वो कुछ देर तक आराम कर सकते हैं, या तो दोपहर को खाना खाने से पहले वो सोकर अपनी नींद को पूरी कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद तुरंत उनको नहीं सोना है। स्पेशली रात का खाना खाने के बाद सिटी की जो लाइफस्टाइल है, वो लोगों की ऐसी आदत होती है कि रात को खाना खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं, उसकी वजह से उनको काफ़ी सारी स्टमक प्रॉब्लम और हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जनरली दोस्तों हमें शाम का खाना यानी कि हमारा जो डिनर है वो शाम को 7 बजे यानी कि सूर्यास्त के समय पे ले लेना चाहिए, क्योंकि जब सूर्य अस्त हो जाता है तो हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, हमारी खुराक को पचाने की क्षमता कम हो जाती है। तो सूर्यास्त के समय हमको खाना खा लेना है। शाम का खाना जो है वो दिन के खाने की कंपैरिजन में थोड़ा हल्का होना चाहिए। हमें डिनर में और रात को सोने में कम से कम 3 घंटे का गैप रखना है, उस तरीके से हमारा स्केड्यूल डिजाइन करना है। जो लोग खाना खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं तो उन लोगों के शरीर में कफ दोष की वृद्धि होती है, और शरीर में कफ दोष की वृद्धि होने की वजह से कफ के रिलेटेड जितने भी विकार होते हैं, जैसे कि मोटापा बढ़ना, जैसे कि सर्दी खांसी और ऐसी काफ़ी सारी कफ की बीमारियां हैं, वो रेगुलर होती रहती हैं। इसीलिए हमें खाना खाने के बाद तुरंत भी नहीं सोना है, तो इन गलतियों को हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, तो हमने ये तो जान लिया कि हमें खाना खाने के बाद कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, लेकिन अब ये जान लेते हैं कि हमें खाना खाने के बाद क्या करना है। तो आयुर्वेद में स्पष्ट स्वरूप से ऐसा बताया गया है कि खाना खाने के बाद आप टहल सकते हैं, यानी कि 100 कदम धीरे धीरे आपको टहलना है, ज़्यादा स्पीड में नहीं चलना है, दौड़ना नहीं है, लेकिन शत यानी कि 100 कदम आपको चलना है। ये काम आप खाना खाने के बाद तुरंत कर सकते हैं। एक्सरसाइज हमें कब करना है, एक्सरसाइज आप सुबह उठ के खाली पेट में भी कर सकते हैं। जिन लोगों को सुबह उठने में तकलीफ होती है या जो लोग सुबह एक्सरसाइज के लिए नहीं जा सकते हैं तो शाम को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे आपने दोपहर का खाना 12 से 1 या 2 बजे तक खाया है तो आप उसके 4 घंटे के बाद शाम को 6 बजे के बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ नियम आज आपको मैंने बताए कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी गलतियां जो खाना खाने के बाद बिल्कुल नहीं करनी है। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू। और संजीवनी आयुर्वेद हॉस्पिटल का वेल ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस स्टाफ आपको रोग मुक्त करने के लिए तैयार है। अरे देर किस बात की, जब हम होंगे साथ तो रहिए बेफिक्र आप। संजीवनी आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल, रीजुविनेट योर माइंड, बॉडी एंड सोल। कॉल नाउ 7575098494 या 9879428494। 116-117 ग्रीन एलिना ऑपोजिट स्नेह संकुल वाड़ी, आनंद महल रोड, अडाजन, सूरत।